Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size videos for NEET UG. अगले 10 मिनट में हम NEET UG पे बेस एक टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस पे एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, Alumni of IIT Guwahati, NET, JRF, GATE, JAS, JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi, Allen Karian Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy के अगर हम plus subscription की बात करें तो plus subscription पे हमें क्या क्या मिलेगा? Plus subscription में हमें daily live class मिलेगी जो कि interactive class होती है, structured course होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, एंड अनलिमिटेड एक्सेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, आफ्टर दैट जितने भी इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स अनअकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होगा, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा और उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगी टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर हम प्राइजिंग की बात करें तो न्यू प्राइजिंग प्लस की 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000 फी है। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की फी 6,300 हो जाएगी, 3 मंथ की 15,750 हो जाएगी, 6 मंथ की 25,200 हो जाएगी, 1 ईयर की 34,650 हो जाएगी और 2 ईयर की 50,400 हो जाएगी। बट अगर हम आइकॉनिक की फी की बात करें, 6 मंथ की फी 38,000 है, 1 ईयर की 65,000 है, 2 ईयर की 1 लाख है। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की फाइनल फी 34,200 हो जाएगी, 1 ईयर की 58,500 हो जाएगी, 2 ईयर की 90,000 हो जाएगी। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करने से आपको 10% ऑफ मिलेगा। Unacademy लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, आप आफ्टर मेकिंग योर अकाउंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2016 से 18 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपको बता दूं, एम्स का पेपर अब अलग से नहीं होता, 2019 के बाद नीट में ही मर्ज हो गया है, तो नीट का पेपर का लेवल थोड़ा सा टफर साइड पे जा सकता है, चांसेस हैं, इसलिए हम एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। तो देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप एट ए सर्टेन प्लेस वेयर द होरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इज। देखते हैं, आपको याद होना चाहिए एंगल ऑफ डिप का जो फॉर्मूला होता है tan की टर्म में, tan डेल्टा इज bv / bh, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल हैं, तो tan डेल्टा इज 1, और tan डेल्टा 1 होने का मतलब डेल्टा की वैल्यू कितने डिग्री की है बेटा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री विल बी योर आंसर, डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। एम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको एंगल ऑफ डिप कैसे निकालना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इज एडजस्टेड इन द यूजुअल वे। A deflection magnetometer is adjusted in the usual way. When a magnet is introduced, the deflection observed is theta. जब एक magnet को हम introduce करते हैं तो आपकी जो deflection observe होती है वो कितनी observe हो रही है बेटा, theta deflection आपकी observe हो रही है, ठीक है। तो and the period of oscillation of the needle and period of oscillation of the needle in the magnetometer is T. When the magnet is removed, the period of oscillation is T naught. The relation between
टी एंड टी नोट आपको निकालना है, आपको टी और टी नोट में रिलेशन निकालना है। तो हम देख लेते हैं बेटा कैसे करते हैं टी और टी नोट की। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के अंदर जब हमने मैग्नेट को रखा तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इज थीटा, कितनी आई थी, थीटा आई थी। तो मैं क्या मान लेता हूं कि शुरू में टाइम पीरियड टी नोट था, व्हेन द मैग्नेट इज रिमूव्ड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी नोट, मैग्नेट हटाने के बाद टी नोट है, मतलब टी नोट अर्थ के होरिजेंटल फील्ड की वजह से है, अर्थ के होरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से है टी नोट। तो टी नोट कैन बी रिटन एज 2 पाई रूट आई बाय एम इनटू बीएच। गुड डाउट, हां बेटा क्लियर है। अब क्या किया, जैसे ही आपने एक मैग्नेट को रखा तो अब जो टाइम पीरियड हो गया वो टी हो गया, और अब जो नेट फील्ड क्या होगा, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में। अगर फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट फील्ड बन जाएगा एम अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, जो मैग्नेट का फील्ड आया है उस वजह से। क्यों, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर टेंजेंट लो पे काम करता है, तो वहां से आपका ये रिजल्ट बन गया। समझ में आया मैंने क्या कहा है? ठीक है, अब दूसरी चीज, डिफ्लेक्शन कितनी आई है, थीटा, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टेन थीटा। टेन थीटा विल बी इक्वल टू मैग्नेट का बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। क्यों, पहले आपको पता होना चाहिए, पहले जो फील्ड था वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, मैग्नेट रखने से बाद में थीटा एंगल घूम गई तो टेन थीटा आपका बी एम बाई बी एच आ गया। अब अगर मैं ट्रेंगल बना दूं अलग से, यहां पर ये थीटा, इधर बी एम, इधर बी एच, तो ये जो रिजल्ट आया ये आया बी एम स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। What will be bm square plus bh square, ये triangle आ गया। मुझे t और t note में relation निकालना है, तो मैं t by t note निकाल देता हूं। आप देख लो बेटा t कितना है, 2 pi root i by m under root bh square plus b square, और नीचे यहां क्या आएगा, 2 pi root i by m bh, 2 pi से 2 pi cancel sir, बेटा I से I कैंसिल, M से M कैंसिल, क्लियर है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, स्केयर करूं, T स्केयर बाय T नोट स्केयर इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया BH और नीचे बच गया रूट BH स्केयर प्लस B स्केयर। अब यहां पे आ जाओ इस ट्रेंगल में, BH बाय रूट BH स्केयर प्लस BM स्केयर, उस ट्रेंगल से आप ये देखोगे ये वाली वैल्यू cos थीटा हो गई, तो ये आ गया आपका T स्केयर बाय T नोट स्केयर is equal to cos theta, तो आपका आंसर आ गया t square is equal to t note square cos theta। तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया, एक डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का कंसेप्ट, एक टेंजेंट लो का यूज हुआ क्योंकि टेंजेंट लो पे ही काम करता है ये, और दूसरा वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर में जो हम टाइम पीरियड निकालते हैं हमने उसका यूज किया। तो ये मेरे रिजल्ट आया, और मेरा रिजल्ट यहां से जो मैच कर गया दैट इज ऑप्शन ए, दिस विल बी आवर आंसर। हाँ बेटा समझ में आया मैंने क्या किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज फ्रीली सस्पेंडेड सच दैट मैग्नेटिक एक्सियल लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। इफ द मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए वेरी स्मॉल एंगल, इफ द मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए वेरी स्मॉल एंगल थीटा, देन एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बताना है कि कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए जब भी थीटा एंगल पे होगी तो टोर्क होगी एम बी साइन थीटा, टोर कितना होगा बेटा एम बी साइन थीटा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आप टोर को क्या लिखोगे, आई अल्फा, अगर एंगल छोटा है तो एम बी साइन थीटा को थीटा लिखोगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा एम बी थीटा बाय आई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा एम बी थीटा बाय आई, ये आपका आंसर आ जाएगा एम बी थीटा बाय आई। तो कौन सी ऑप्शन है बेटा, यहां पर ए ऑप्शन विल बी योर आंसर, एम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माय रेफरल कोड, इस रेफरल कोड को यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू।